Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. Daily Bulletin is powered by Fine Art Designers, a complete menswear and kidswear, exclusive for suits and sherwanis. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले हम बात करते हैं हाल ही में जो इनॉग्रेशन हुआ था एक्सप्रेस हाईवे बेंगलुरु से लेकर मैसूर तक। एक ही दिन की बारिश में हाल ये हो गया कि पानी ठहरना शुरू हो गया हाईवे पे, जिसकी वजह से हाईवे का रास्ता काफ़ी कठिन भरा हो गया और कई सारी वहाँ पर चीज़ें गाड़ियाँ वगैरह रुकते गई, ट्रैफिक जैम हो गया। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे इनॉग्रेट किया था। 118 किलोमीटर का ये रोड हाईवे, जहाँ पर आप देखते हैं ये पानी वहाँ पर ठहर रहा है। ये मैसूर और बेंगलुरु के बीच जो डिस्टेंस है 3 घंटे का, उसे 75 मिनट में कवर आप कर सकते हैं। इस पर नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने ये कहा कि लोकल्स की गलती है, उन्होंने जहाँ पर ड्रेन लाइंस हैं वहाँ पर मट्टी कचरा वगैरह फिक्स फेंक दिया है, जिसकी वजह से पानी ड्रेन आउट नहीं हुआ और वहाँ पर जमा हो गया। अब हकीकत क्या है आप खुद डिसाइड करिए। कर्नाटक के कोविड केसेस में 65% जंप हुआ है 24 घंटे में। कर्नाटक में 127 फ्रेश केसेस आए हैं कोविड 19 के, जिसमें पिछली बार की अगर हम बात करें तो 77 केसेस थे। अब स्टेट कैपिटल के अंदर अकेले ही इतने ज़्यादा केसेस आए हैं, 130 रिकवरीज भी हुई हैं। अब इसी को चलते हुए थोड़ा देखभाल ही रखनी चाहिए कोविड 19 को चलते हुए, लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि रमज़ान आ रहा है, इलेक्शन आ रहा है, इसकी वजह से ये केसेस बढ़ाए जा रहे हैं। सलमान खान को फिर से मिली थ्रेट, जहां मेल आया है सलमान खान के ऑफिस के आईडी पर और वहां पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने उन्हें धमकी दी है। इससे पहले भी इस तरह की धमकी आ चुकी है। वही बिश्नोई जहां पर मर्डर हुआ था पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का, उसने ही दिया है थ्रेट कनाडा बेस्ड गैंगस्टर गोल्डी ब्रार के साथ। ये क्या मामला है, सलमान खान की टीम ने इस पर एक केस भी रजिस्टर किया है। राहुल गांधी आ रहे कर्नाटक को, बेलगाम में आएंगे और कांग्रेस के साथ वो रहेंगे 20 मार्च को। ये इलेक्शंस आने वाले हैं करीब में और राहुल गांधी ने अपनी यात्रा जो हाल ही में उन्होंने कंप्लीट की थी, अब फिर से कर्नाटक आ रहे हैं और नॉर्दर्न कर्नाटका के बेलगवी को विजिट करने वाले हैं। एक दिन में वो युवा क्रांति समावेश अटेंड करने वाले हैं और बहुत जल्द भी किस किस को टिकट्स मिलने वाले हैं कांग्रेस के, वो भी डिसाइड होगा। बड़ा सा पावर केबल टूटकर गिरने की वजह से माँ और दोनों बेटों की मृत्यु हो चुकी है। चिंचोली से हम आपको खबर ला रहे हैं, जहाँ पर एक पावर केबल गिर गया था और टीन रखने के चक्कर पर छत पर बारिश से बचने के लिए इस चक्कर में शरणम्मा अंबना बसागौड़ 45 साल की, महेश अंबना बसंगौड़ और सुरेश अंबना तीनों की मौत हो चुकी है। केस रजिस्टर हुआ है चिंचोली पुलिस स्टेशन में। अलशरे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन प्रेजेंट्स गुलबेगा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद बसेश्वर कॉलोनी, अलशरे पीयू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स शरे टॉवर्स एमएसके मिल रोड, अलशरे पीयू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री मुस्लिम चौक, अलशरे बीएससी डिग्री कॉलेज गर्ल्स यदुला कॉलोनी हैप्पी डेज पब्लिक स्कूल बिहाइंड अग्रवाल सुपर बाजार ओल्ड ज्वेलरी रोड। उसके बाद गुलबेगा इलेक्शन से अगर हम अपडेट दिए हैं तो वो ये है कि मामला कि जिस तरह से आप देख रहे हैं नासिर हुसैन उस्ताद की अवामी बेदार कैंपेन जो चल रही है, उसमें अब तेज़ी पकड़ती नज़र आ रही है। वार्ड नंबर 15 के अंदर न्यू रहमत नगर कॉलोनी में उन्होंने कैंपेनिंग की और वहां से आवाम से भी बात उन्होंने की। अब बच्चियां कॉलेज जा रही हैं, एग्ज़ाम दे रही, मजा निकाला जा रहा है, ये जिम्मेदारी किसकी, मैडम की है कि वो असेंबली में बोले। उनके खिलाफ खड़ा होकर मुँह तोड़ जवाब देने वाला, बात करने वाला, लड़ने वाला होना क्या खामोश घर में बैठने वाला, लड़ने वाला। दूसरी तरफ हम बात करें डोर टू डोर कैंपेन और पैदल यात्रा चली है मिलना मैडम कनीज़ फातिमा साहिबा और कांग्रेस की गारंटीज पर बात हो रही है वार्ड नंबर 4 जहां पर रियाज बेटको है कॉर्पोरेटर। ये उम्र भर की बात है, ये हमारा पहचान क्या है, कमर का एक नारी सब पे भारी है खाना। आप भी नारी चाहिए, वो भी नारी चाहिए, आप भी समझ सकते हैं। पहले हमारा देने देने परवाह नहीं, मत तुम जीतो बहुत बड़ा बहुत बहुत। उन्नाव से हम आपको खबर ला रहे हैं जहां पर हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से पॉलीमर्स इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड का इनॉग्रेशन के लिए, यानी कि संघ की बुनियाद जो रखी जाती है उसके लिए सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने मिलकर यहां पर आज संघ की बुनियाद रखा, जहां पर JDS के स्टेट प्रेसिडेंट CM इब्राहिम, एक्स मिनिस्टर बंडेपा कासिमपुर और CM फैज यहां पर मौजूद रहे और ये इवेंट काफ़ी सक्सेसफुल रहा। आइए देखते हैं। उन्नाव के आवाम को मैसेज रहता ही मिलजुल के पैर मोहब्बत से इलेक्शन करो, ये सिलसिला जो है आज से जारी किए हैं।
इसमें किसानों की खिदमत होती, नौजवानों को रोजी मिलती। कम से कम यह तालाब में आज पंडा पका हमारा सब मिला, लेकिन 10,000 लोगों को नौकरी मिलना, वो काम हम लोग करने की कोशिश करते हैं। बच्चा हैदराबाद बम्बई को जाना नहीं, अपने माँ बाप के पास रह के माँ बाप की सूरत देखते हुए उनकी खिदमत करके कोई गड़बड़ होने मत दो। नौजवान युवक के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगी और प्रॉफिटेबिलिटी भी होगा और एक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हुमनाबाद से शुरुआत होगी। मेयर इलेक्शंस आ रहे हैं, 23 और 24 तारीख को मेयर इलेक्शंस होने वाले हैं और उसी को चलते हुए कई सारे कॉन्ट्रोवर्सीज भी चल रहे हैं। इस पर शरण आईटी सोशल एक्टिविस्ट का क्या कहना है, किस तरह से इलीगली बीजेपी अपने 4 एमएलसीज और एक राज्यसभा एमपी को इसके अंदर इंक्लूड कर रही है, एक रेंट एग्रीमेंट बनाकर गुलबर्गा के अंदर उन्हें भी वोट करने का पावर दे रही है, आइए देखते हैं। कॉर्पोरेशन का मेयर डिप्टी मेयर का इलेक्शन होने वाला है, वो इलेक्शन में नाजायज 4 एमएलसी और एक राज्यसभा मेंबर वोट डालने वाला है, लक्ष्मण सऊदी, भारती शेट्टी, तुलसी मुनिराजू और रघुनाथ मलकापुरे, ये 4 जने है ना, 4 एमएलसी का नाम नहीं है और एक राज्यसभा मेंबर है लहर सिंह बोल के, उनका भी नाम नहीं है। आप देखिए ये लिस्ट में एमएलसी है ना, मैं सीधा सीधा पूछना चाहता हूँ, आप चारों जने गुलबर्गा के लिए क्या खर्चा किए? मकतब फैजुल कुरान नियर शाहजलानी क्रॉस मिसबा नगर एमएसके में गुलबर्गा, नाजिम मकतब मुफ्ती मुश्ताक कासमी इमाम खतीब मस्जिद शम्स मिसबा नगर, यहाँ मकतब फैजुल कुरान का सालाना इनामी जलसा मुफ्ती मुश्ताक कासमी इमाम खतीब मस्जिद शम्स और उनके साथी मौलाना अब्दुल मुख्तदिर इलियास कासमी ने मुनक्किद किया, जिसमें शहर गुलबर्गा के मौजूद उलमा कराम मौलाना गौसुद्दीन साहब कासमी, मौलाना अब्दुल रजाक साहब कासमी, मौलाना शफीक साहब कासमी, मौलाना सादिक बिन आदम साहब नदवी, मौलाना अब्दुल मुख्तदिर इलियास साहब कासमी, मुफ्ती मुश्ताक साहब कासमी एबीसी स्कूल, मुफ्ती अब्दुल अलीम साहब कासमी और जनाब साजिद कल्याणी साहब कॉरपोरेटर, जनाब खालिद साहब कॉरपोरेटर और दीगर अवामुन्नास ने मर्द ख्वातीन ने बड़ी कसीर तादाद में शिरकत की। 3 मकतब के सालाना इम्तिहान में अव्वल दुअम सुअम आने वाले तालबा और तालिबात को इनामात से नवाजा गया और मकतब फजल कुरान से 10 तालबा और तालिबात ने नजीर कुरान मुकम्मल किया, साथ ही एक तालिबा जो कि पीयूसी में जेरे तालीम है फिरदौस बिंत रफीक साहब ने कुरान मजीद हिफ्स किया, इन तमाम को ट्रॉफीज और सनद से नवाजा गया। 4 जो तलबा व तलिबात ने खिरात नात नज़म और तकरीर में हिस्सा लिया उन्हें गोल्ड मेडल से नवाजा गया। आखिर मुफ्ती मुश्ताक कासमी की दुआओं से जलसे का इख्तिताम हुआ। आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में, जहां मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहां पर आपको सभी आपके इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे है, इफ पाथ इज डिफिकल्ट इट इज बिकॉज योर पर्पस इज बिगर देन यू थॉट। अगर आपके रास्ते में मुश्किलात आपको मिल रही हैं तो ये समझिए कि आप जो पर्पस से काम करना चाह रहे हैं वो आपके ख्याल से थोड़ा बढ़कर है, इसलिए घबराएगा मत, अपने काम पर लगे रहिए, लगन से काम करिए और ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। हेल्थ एंड फिटनेस टिप्स आर ब्रॉट यू बाय अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हर जुमरा सर्विसेज, नियर पाकिसा अपोजिट इनामदा पेट्रोल पंप, दरगाह रोड, गुलबर्गा। इस बार रमदान आप बना सकते हैं मदीना में, डिलक्स उमरा पैकेजेस मौजूद हैं, स्क्रीन पर डिटेल्स को फॉलो करें। हेल्थ फिटनेस टिप्स में आज हम बात कर रहे हैं ये एक्सरसाइज जो आप 25 सेकंड करने से आपको बहुत सारे हेल्प होंगे, लूज वेट फास्टर, हेल्प टू रिड्यूस स्ट्रेस, मोस्ट इफेक्टिव पोज फॉर ग्लोइंग स्किन, इम्प्रूव डाइजेशन एंड एपिटाइट और इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन। कॉमेंट सेक्शन इज प्रेजेंटेड बाय विला रेस्ट्रो मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट ऑन हुन्नाबाद रोड NH50, जहां पर आपको ग्रेट एम्बियंस के साथ मिलेगा आपको क्वालिटी फूड। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया सैयद अली का लिखा, अस्सलाम वालेकुम, वोट काटने वाले कैंडिडेट्स को वोट हरगिज ना दें। शिकत उसे मत ने लिखा है वाड़ी में जल्द से जल्द सर्विस चालू करिए। शुआब सरवदी ने लिखा, इफ़ यू कॉन्ट टू कॉन्कर द एंग्जाइटी ऑफ लाइफ लिव इन द मोमेंट लिव इन द ब्रेथ। रोशिद्दीन सलाम लिखा है और उन्होंने कोट लिखा जिसे हम अपने बुलेटिन में इंक्लूड किए हैं। बहुत सारे लोगों ने सलाम लिखा है सबको, वालेकुम सलाम। मोहम्मद गयासुद्दीन ने अवार्ड मुबारक लिखा है। मोहन पटेल ने गुलबर्गा गुड न्यूज़ है तार पर लिखे हैं। सलीमा बेगा ने सलाम लिखा है। सलीमा बेगा पूछे आनंद में कुछ गड़बड़ है क्या नहीं, ज़्यादा तरह का बिल्कुल आप आ सकते हैं, ज़्यारत कर सकते हैं, वहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं है।
इलियास लावरा ने भी कॉन्ग्रेचुलेशन कहा है ताहर अब्बास के लिए अवार्ड के लिए। जमीन शेख लियंस भाई, स्कूल कौन सी एरिया में बना है? अबू बकर कॉलोनी में बना है वो स्कूल। सैयद हयात लिख रहे हैं, मोदी जी पहले मेरे 15 लाख रुपए दे दो, उसके बाद गुलबगा में क्या डेवलपमेंट करना है करो, बोल रहे हैं। सुशील मारवाड़ का लिखें, बिफोर इलेक्शन पीएम सीएम गिफ्टेड मेगा टेक्सटाइल पार्क, आफ्टर इलेक्शन दे टुक बैक एंड गिवन टू अनदर स्टेट और अनदर डिस्ट्रिक्ट, बस करो ये सब मजाक भी, बोल रहे हैं सुशील मारवाड़ का। बिल्कुल सही कहा आपने, इस तरह के इलेक्शन से पहले बहुत सारे वादे होते हैं, उसके बाद इलेक्शन के बाद गायब हो जाते हैं। शेख शोएब ने मुबारक लिखा है, ताज लतफ ने भी मुबारक लिखा है अवार्ड के लिए, यासमीन मानो ने भी अवार्ड के लिए मुबारक लिखा है, और आफ्ताब खान ने लिखा है भाई सब इलेक्शन में याद आता है, लिख रहे हैं आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करना ज़रूरी है। मुश्किल तहसीन शेख, बिल्कुल लिंक कर सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। इरफान तिमापुरी ने भी मुबारकबाद दी है गोवा टीम के लिए। मो हबीब कह रहे हैं, जो स्कूल ओपन हुआ उर्दू मीडियम स्कूल, वो इलेक्शन पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा, इस बारे में लिख रहे हैं। अब्दुल रहमान ने कांग्रेचुलेशन लिखा है, आयान अभी लिख रहे हैं भाई पूरा कमेंट पढ़िए। बिल्कुल, जहाँ जहाँ कमेंट ज़्यादा बड़ा होता है तो बहुत टाइम हो जाता है, 2 से 3 मिनट हो जा रहे हैं, इसलिए कमेंट्स को भी थोड़ा हम कम करते हैं। आपका बिल्कुल कमेंट पड़ा है, COVID-19 रमज़ान आ रहा बल्कि बढ़ रहा बल्कि बताया आप। मोहम्मद कैफ लिख रहे हैं, ताहिर पर 10th बोर्ड एग्जाम की डेट क्या है? कर्नाटका की अगर SSLC बोर्ड की एग्जाम बात करें तो 2023 की April 3rd से, जो हमें खबर मिली है, April 3rd से एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे। डेली बुलेटिन शो आप सब देखते हैं, ढेर सारा प्यार हमें मिला है, और अब तक ऑलमोस्ट हम लोग ने 500 से बढ़कर एपिसोड बनाए हैं डेली बेसिस पे, जो सुबह 8 बजे आपको मिलते हैं। हमारी कोशिश को काफी सारे एफर्ट्स लगते हैं, तो आप अगर हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हम बहुत दूर जा सकते हैं। लेट्स गो फार फास्ट, एक्यूरेट और रिलायबल। जी, आप बन सकते हैं गोहैश के मेंबर। मेंबर बनने के लिए आपको जो लिंक दिख रहा है उसे आप क्लिक करें, एक सब्सक्रिप्शन का बॉक्स आएगा, 500 रुपीज़, 1000 रुपीज़, 2000 रुपीज़, जो भी है आप इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को दे सकते हैं, क्योंकि एफर्ट्स लगते हैं और आपके सपोर्ट के साथ हम बहुत दूर जा सकते हैं। तो काइंडली प्लीज गो अहेड एंड सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड कीप वॉचिंग गोहैश। Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. Daily Bulletin is powered by Fine Art Designers, a complete menswear and kidswear, exclusive for Suits and Sherwanis.